वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ पर तो इंडियन मार्केट में हीरो एक्सपल्स 200 T4V की फाइनल तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि दोस्तों, यह बाइक जो इस बार के लिए सबसे बेहतर साबित होने वाली हीरो की तरफ से, बेसिकली दोस्तों इसकी जो डिजाइन है, लुक है, वो काफी बेहतर है पिछले बाइक के मुकाबले। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी फाइनल तस्वीर के बारे में कि तस्वीर में क्या कुछ अलग से चेंज किया गया है। इसकी माइलेज, परफॉर्मेंस, फीचर, इंजन, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो में हमारे साथ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हस 16। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं जानकारी के लिए कि हीरो एक्सपल्स 200 टी की जो फाइनल तस्वीर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसकी जो डिजाइन है, वो लुक पुराने मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। इसकी बोनेट पे जो फ्यूल टैंक दी गई है, उसकी भी डिजाइन में भी चेंज किया गया है। इसका फ्रंट लुक भी पुराने बाइक की तुलना में कुछ बदल करके पेश किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में कि इसमें कितने सीसी की इंजन देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो इंजन देखने को मिलेगी, वो 196 सीसी की इंजन देखने को मिलेगी, जो कि 4-वाल्व एयर कूल इंजन होगी। और यह दोस्तों इंजन जो है 19.1 PS की पावर और 17.35 Nm का पिक जनरेट करने में सक्षम होगी। वहीं पर दोस्तों, मैं बता दूं कि इसकी जो बोनट पे जो इस बार आपको देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ जहाँ पे आप हैंडल पकड़ते हैं, वहां पे आपको एक LED है जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी। उसी डिस्प्ले में आपको जो है ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और घड़ी, स्विच, फ्यूल टैंक सब कुछ उस पर दिखाया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पीड टेस्ट भी उस पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके सामने में जो है फ्रंट में इस बार गोलाकार लाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूरी तरह से हेडलाइट पिछले बाइक के मुकाबले में काफी अलग और बेहतरीन लगने में लग रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फीचर के बारे में, दोस्तों फीचर के बारे में भी अभी बहुत ही थोड़ा अपडेट आया है सामने में, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है एक अंडर पिकिंग रिमैन कंट्रोलर भी दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें जो है टेलीस्कोपिक फॉग और रियर में मोनोशॉक दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें डुअल शॉक का भी एब्जॉर्बर का भी सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस बाइक में जो है डिस्क ब्रेक का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें जो है एक करंट मॉडल सेटअप का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि आप सस्पेंशन के तौर पे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों प्राइस के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं कि इसके बारे में कोई और ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन प्राइस के बारे में इसकी डिटेल सामने आई है। कितने कलर में इसे लॉन्च की जाएगी, कितने वेरियंट में लॉन्च की जाएगी, ये भी डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि इसकी जो प्राइस शुरुआत हुई कीमत जो इंडियन मार्केट में होंगी, वो 1.24 लाख के आसपास रहने की संभावना है। आई होप कि दोस्तों, कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों, इसके बारे में अगर पूरा डिटेल आती है, तो मैं आपको अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ एक रिव्यू वीडियो जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल पे आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।